अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं सब? जी, कैसी रही आपकी असाइनमेंट, वर्डप्रेस की असाइनमेंट जो मैंने आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अब्दुलरहमान बुरहान यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला ताहर, वालेकुम सलाम। मोहम्मद सुहेल, कैसे हैं आप? यार, कल आपको लाइव लेना था, आप गायब हो गए हैं। मोहम्मद सुहेल, अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, थ्रू मैसेज हो रही है या थ्रू गूगल क्लासरूम हो रही है, तो काइंडली आपका कोई भी इशू हो तो आप रेज करें, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें ताकि आपका वो इशू रिजॉल्व हो सके। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? अच्छा, क्लास के एंड के ऊपर ना सुहेल, मैं बुला रहा था आपको, मैंने कहा आपको लाइव लेते हैं, आपकी प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कल मैंने ईमेल्स की थी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मुझे फाइवर की प्रोफाइल सेंड कर दी है ना, उनको मैंने ईमेल की थी। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फाइवर की प्रोफाइल सेंड कर दी हुई है उन सबको कल मैंने ईमेल की थी ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी प्रोफाइल लिंक्स मेरे पास आ गए हैं। जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल लिंक्स अभी तक मेरे पास नहीं आए तो काइंडली वो मुझे सबमिट करवाएं ताकि आगे जब नेक्स्ट मूव हो तो उनके प्रोफाइल लिंक्स मेरे पास हो, मौजूद हो मेरे पास। हाँ आसिफ, ठीक है ब्रदर, आप काइंडली संडे तक सबमिट करवाएं, क्योंकि जैसे डिले होता जाता है फिर मैं उस तरह उसको गो थ्रू नहीं कर सकता, फिर वो लेट में मेरे लिए चली जाती है। असद चौधरी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी ब्रदर आप? असद, आपका मैंने कमेंट देखा है, ठीक है, अटेंडेंस के ऊपर आप बता रहे थे कि कोई इशू चल रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर आप क्लास नहीं ले सके कल ड्यू टू 7 मुहर्रम, तो आप वो शकील साहब से कांटेक्ट कीजिएगा, उन्हें बताइएगा, तो वो आपके लिए लेक्चर अवेलेबल कर देंगे या कोई ना कोई इसका सोल्यूशन दे देंगे इंशाल्लाह। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे फाइवर की प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं करवाए तो काइंडली आप फाइवर का प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दें।
सेकेंडली जिन स्टूडेंट्स ने फाइवर की प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दी है उनको मैंने ईमेल कर दिया था कल, ठीक है? आपको ईमेल आ गया था मेरी तरफ से जिन्होंने फाइवर की प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दी है उन्हें। रमीज आ गया, रमीज मोहम्मद मुनीर, मुजम्मिल इमरान, शुमाइला हसन, अब्बास गुजर, अब्दुल रहमान आ गए हुए हैं, आदिल हसन, आदिल जुल्फकार, अदनान खान, एहसन अहमद, ईमान सिद्दीकी, अली तारिक। अली तारिक अवेलेबल है? अली तारिक, अली रजा भट्टी, आमना वहीद, अमारा नदीम, अक्सा एहसन, अरूज अफसल, असद अली, आसिम राणा, आतिफ अहमद, अजरा हसन, बिलावल मकसूद। अच्छा, मुझे ईमेल मिल गई है आपकी ना, अक्सा की भी मिल गई है, बिलावल की भी मुझे ईमेल मिल गई हुई है, तो मैं इंशाल्लाह उन्हें रिस्पॉन्स कर दूंगा। वालेकुम सलाम। ओके मुजम्मिल, दानियाल अहमद, एहसान शहीन अवेलेबल है? एहसान शहीन, सफा तनवीर, फायजा कंवल, हाफिज फरहान, हाफिज शाहजेद अहमद है, शहजाद अहमद है, हमदूम एजाज है, हमाद अशरफ, हसन अली, इजहारुल हक अवेलेबल है? इजहारुल हक, जवेद इकबाल, महम खुर्शीद अवेलेबल है? मलिक राशिद, ममूना रिफत, मारिया अबकर, मरियम राजपूत, मोहसिन शेख, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हसीब, खुबैब मदनी, अमजद, नुमान मुनीर, उमेर असलम, मोहम्मद उमेर अहमद, इफ्तिखार, नबील शहजाद, नूर, नुमान अहमद, नुमान मलिक, उमर भट्टी, काजी बकारुल हक, राना मोहम्मद रमीज, रुहान आसिफ अवेलेबल है, रकिया रुकैयातुल मीनान, आरटी मीनान अवेलेबल है आप, सादिया खुर्शीद, सईद कामरान, सलमान तारिक, सकलैन अहमद, शहबाज यूनस, शुएब नईम, उमर खान, तलहा अहमद, वकास मुनीर, यासिन अमीन, जैनब मकसूद, जकिया सदीकी, जिशान हैदर। जी वालेकुम सलाम। परफेक्ट जी। सलमान कैसे हैं आप? सलमान आज आप जल्दी आ गए हैं। सलमान आप अवेलेबल हैं? हमारे साथ लाइव आ सकते हैं आप कि नहीं? अच्छा जी। वालेकुम सलाम मोहम्मद उमेर असलम, ठीक है आप क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम आदिल हुसैन, कैन आई कम लाइव टुडे? आई वांट टू चेक, आज फ्राइडे है, स्टिल आई विल ट्राई कि आपको मैं लाइव ले लूँ इंशाल्लाह, ठीक है? आप उमेर असलम आप क्वेश्चन करें, जो आपके दो क्वेश्चन है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी जी। अमेर उमेर, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, साथ में आगे फर्दर भी मूव करता हूँ। रब्बी शाहली सदरी वैसली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आज का अगर आप टॉपिक देखेंगे तो मैंने फाइवर गिग्स रखा है, ठीक है? आदिल आदिल अवेलेबल है? ठीक है। आदिल का भी कल क्वेश्चन था कि हम कैसे फाइवर को रैंक करते हैं, हम गिग को कैसे रैंक करते हैं। ये ऑलरेडी हमारा सम हो टॉपिक कवर हो गया हुआ है, आज इसको एक और परस्पेक्टिव से हम देखेंगे, एक डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखेंगे।
काइंड ऑफ एनालिसिस हम इधर परफॉर्म करेंगे ताकि हम अपनी जो गिग्स को यार रैंक कर सकें, अपनी जो गिग बनाए वो ब्लाइंडली गिग ना बनाए, उसके ऊपर रिसर्च वर्क करने के बाद हम गिग के ऊपर फर्दर मूव करें। ये होता है ब्लाइंडली आप काम करते हैं, आपको लगा कि आप ये सर्विस बेच सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको लगा कि आप वर्डप्रेस की सर्विस बेच सकते हैं, आपने उसके ऊपर गिग बना ली। दूसरा होता है कि आप पूरा रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू सेल योर सर्विस फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, आप वर्डप्रेस की सर्विस सेल करने लगे हैं। स्टिल जी, हम आज बात करेंगे हो टू हमें गिग कैसे बनानी चाहिए, हमें कैसे एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमारी गिग लाइव हो सके। पहला जो पोर्शन है मुजम्मिल इमरान की, हम गिग को देखेंगे एक्सेल शीट के ऊपर, उसके बाद freelancer.com पे जाके प्रोफाइल बनाएंगे। दो पोर्शन में डिवाइड होगा, पहला पोर्शन जो है आज हम करेंगे इंशाल्लाह गिग के वाले से, दूसरा जो पोर्शन होगा उसके अंदर जाके हम फाइबर पे फ्रीलांसर पे प्रोफाइल इंशाल्लाह बनाएंगे। ये दोनों टॉपिक आज इंशाल्लाह हमारे कवर हो जाएंगे। उमेर असलम, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर दें, ताकि या फिर मैं क्लास के एंड पे आपका क्वेश्चन ले लूं। काइंडली मुझे कंफर्म करें मैं क्लास के एंड पे आपका क्वेश्चन ले लूं ताकि मैं आगे नेक्स्ट मूव कर सकूं। मैं सिर्फ वेट करूं आपकी तरफ से ताकि आपका क्वेश्चन मैं आंसर करूं। चलिए, क्वेश्चन आ गया कि नहीं? ओके, हम आज मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्रीन शेयर है, परफेक्ट, स्क्रीन शेयर है। अच्छा, मैंने आज ना ये एक्सेल की शीट एक ओपन की आपके सामने फाइबर गिग के नाम से। जब मैं हमने स्टार्ट किया था, बड़ा स्ट्रेट आपके साथ एक छोटी सी बात करता हूँ सर, क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में है। ओके जी, जब हमने स्टार्ट किया था एज अ फ्रीलांसिंग, हमने स्टार्ट की थी, वी डोंट हैव एनी ट्रेनर, बहुत कुछ क्लियर बात है, कोई ट्रेनर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला उस टाइम पे उस तरह अवेलेबल नहीं था। दूसरी चीज, अभी जो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाता है वो नहीं था मिलता, गूगल के ऊपर उस तरह मटेरियल अवेलेबल नहीं था जिस तरह अब अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि लोगों को बताएं कि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो प्रमोट करें या वो गाइड करें या वो कहें भैया आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये चीजें नहीं थी उस टाइम पे। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें अवेलेबल हैं, उसमें से कुछ फैसिलिटीज आपको भी मैसर हैं जिस तरह आपको गाइडेंस है, ठीक है, हमें उस तरह नहीं था। हम फिर वो होता है हिट एंड ट्राई करके वो चलता रहा मामला, तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने बेहतरीन कर दिया। अब जो है ना, अगर मैं बात करूँ फाइबर गिग की, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो होता है वर्डप्रेस की तो सर्विस में दे रहा हूँ, वर्डप्रेस की सर्विस में दे रहा हूँ। अब मैं अगर वर्डप्रेस की सर्विस का रिसर्च करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च में परफॉर्म करता हूँ, कीवर्ड, ये कीवर्ड रिसर्च मैंने किया, ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा क्लोज कर दूं, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च मैंने परफॉर्म कर दिया, ये कीवर्ड आ गया, कीवर्ड के साथ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आ गया, कीवर्ड आ गया, ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब कीवर्ड मैंने सर्च किया है, ये सबसे पहला स्टेप है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहला स्टेप है कि मुझे पता है कि मैंने वर्डप्रेस की सर्विस देनी है, मुझे पता है मैंने वर्डप्रेस की सर्विस देनी है। अब मैं किस कीवर्ड के अगेंस्ट दे रहा हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट के अगेंस्ट अगर मैं देता हूँ तो मेरे पास ये सर्विसेज आती हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट है, ये मेरे पास सर्विसेज आ रही हैं, इतनी सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। बाय द वे, जो वर्डप्रेस वेबसाइट है ये मेरे साथ कीवर्ड्स भी इकट्ठे हो रहे हैं इस साइट पे। जैसे मैंने कहा था कि आप कीवर्ड देखें, जैसे लास्ट से मैंने कहा था कि नोटपैड ओपन करें, मैंने नोटपैड ओपन करवाया था, मैंने कहा था अगर आप वर्डप्रेस की सर्विस देखना चाह रहे हैं एज अ यूजर, एज अ क्लाइंट, सोचें कि आप क्या सर्च करेंगे जाके। जैसे आपने डिफरेंट कीवर्ड्स बताए थे वो उसी तरह मैं कीवर्ड्स अब कर रहा हूँ, अब मैं इसके यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट है, बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट, बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर सर्च करता हूँ, इसके रिजल्ट अब कम आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, उसके कितने थे, 70 ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास आ गए। प्रोफेशनल बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, इसको हम सर्च करते हैं,
ये ज्यादा, इससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है हम इस तरफ नहीं जाते। वर्डप्रेस वेबसाइट, कौन सी वर्डप्रेस वेबसाइट में करता हूँ, प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट, प्रोफाइल वेबसाइट, एक मेरे पास कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट है। आई विल क्रिएट लिंक्डइन बिजनेस पेज, ठीक है, आई विल क्रिएट किलर सेल्स कॉपी फॉर योर ब्रोशर्स, ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट मेरे पास नहीं आया, ठीक है। आई विल क्रिएट कंपनी कंपनी प्रोफाइल वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च उस तरह नहीं है। अगर आप कीवर्ड देखें, इसके ऊपर कोई ऐसी गिग नहीं आ रही जो रैंक हुई हो या कोई चल रही हो। स्टिल ये कीवर्ड एक है हमारे पास, इसकी जो प्रोटी है वो लो है, प्रोटी इसकी नहीं है उस तरह। इसका रिजल्ट ये आ रहा है मेरे पास, वापिस आता हूँ, पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट 9000 स्टिल इसका रिजल्ट आ रहा है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, मैंने ये कीवर्ड सर्च कर लिया, ठीक है जी, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट। इसकी जो सर्विस, इसकी अवेलेबल कम है, ठीक है, इसकी एक कीवर्ड अच्छा है लेकिन इसकी जो रिजल्ट आ रहा है वो कम आ रहा है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट 28,000 था, ये क्या आ रहा है 70,000 आ रहा है। अच्छा जी, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट में कर लेता हूँ, आ रहा है कंपनी पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, पहले किसका कितना आया था, कंपनी प्रोफाइल थी, कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट अगर मैं सर्च करता हूँ मुझे ये रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है जी, लेट मी कॉपी 4771, ठीक है, ये मेरे पास 4771, ये कीवर्ड अच्छा है, ये जो अभी मेरे पास कीवर्ड आ रहा है ये उस तरह से कीवर्ड अच्छा आ रहा है। इसके गेंस जो गिग्स देखें, ठीक है, ऑर्डर्स देने के गिग्स अच्छी रैंक हुई हैं, आपकी भी गिग रैंक हो सकती है, कंपनी पोर्टफोलियो हो गया, उसके बाद क्या आ सकते हैं, एजुकेशन वर्डप्रेस वेबसाइट, एजुकेशन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल, जी प्रोफेशनल एजुकेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने की है, 27,000 आ गए। प्रोफेशनल एजुकेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट,
अच्छा मैं ये कीवर्ड जो आपके लिए ये सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली नीश डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो हमारा पहले दो रिजल्ट है, ठीक है, बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट देखें या ये देखें, उसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये रिजल्ट ये सर्च कम आ रही है। ये जो अभी तक तीन मैंने सर्च किए हैं, ठीक है, इसके अंदर भी अच्छा मार्जिन है। ये जो तीन है, ये जो सर्च किए हैं, इनमें अच्छा मार्जिन है आपके पास, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा। एजुकेशनल वेबसाइट, इसके अलावा और क्या कीवर्ड मैं यूज कर सकता हूँ? प्रोफेशनल, एजुकेशन वेबसाइट, आई विल क्रिएट वेबसाइट फॉर स्कूल और एजुकेशन। ये देखें एजुकेशन वेबसाइट के ऊपर कितना मिल आपके पास है पोर्शन है। सर्च आ रही है एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर 150 सर्च आ रही है। इसने 36 किए हैं, इसने 12 किए हैं, इसने 4 किए हैं। मिस कुछ ना कुछ मार्जिन जितनी भी शो हो रही है, किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। इसका मतलब है इसके पास ट्रैफिक आ रही है इस कीवर्ड के ऊपर, उस तरह का भी काम नहीं हुआ हुआ। 150 सर्विसेज है इसके ऊपर, ठीक है। वर्डप्रेस प्रेस एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट कर लेते हैं। डिजाइन, वर्डप्रेस डिजाइन, नहीं जी, आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिबल प्रेस वेबसाइट डिजाइन, आई विल बिल्ड, ये दूसरे कीवर्ड आ गए हैं इसमें। LMS वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट होना चाहिए। LMS वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये कीवर्ड ठीक नहीं है, बट स्टिल इसको मैं ले रहा हूँ। इसका मैं बताता हूँ, LMS LMS WordPress वेबसाइट, ये भी कीवर्ड अच्छा है भाई। ये एक LMS होता है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके ऊपर आप डिजाइन कर सकते हैं। LMS WordPress वेबसाइट, ये भी एक अच्छी नीश है। LMS एक अच्छी नीश है, अगर इसके ऊपर आप काम करें तो बड़ी अच्छी नीश है। इसके अंदर आपको ट्रैफिक अच्छी मिल सकती है। 83333 सर्विसेज आपको अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, ये सर्विस, दिस इज द वे जिस तरह हम ट्रैफिक फाइंड करते हैं, उसके बाद हमने कीवर्ड फाइंड किए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने एक कीवर्ड के ऊपर काम करना है। किस कीवर्ड पे मैं काम करने लगा? मैं कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट पे काम करने लगा, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट पे काम करने लगा। ठीक है जी, मैं अब मैं इसके ऊपर सर्च करूंगा, गीक सर्च करने लगा। जो कीवर्ड है वो ये कीवर्ड है जी। मैं इस कीवर्ड को लेके जा रहा कंपनी पोर्टफोलियो, ये मेरे पास कीवर्ड आ गया। इन दोनों को मैं थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे पता चले इन दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ। इस कीवर्ड को मैं दोबारा जाके सर्च कर लूं, फोर डबल सेवन वन आ रहा है, 4771 इसके रिजल्ट आ रहा है, परफेक्ट है जी। अब इसके ऊपर जो गिग्स आ रही हैं उनको मैं एक दफा देख लेता हूं जी। ये पहली गिग है, ये दूसरी गिग है, ये तीसरी गिग है, ये फोर्थ वन है, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइवर चॉइस है, ये देखना कि भाई ये फाइवर चॉइस क्यों है।
इसके बाद ये बंदा आ गया सरमद अहमद है। ऊपर से मैंने टॉप लिए, अब मैं जो बॉटम से कुछ ले लूंगा। ठीक है, फरहान ठीक है, मैं इस तरह डिफरेंट बंदे निकाल रहा हूँ जिनकी ऑलरेडी गिग बनी हुई है। ठीक है जी, ये गिग इसकी बनी हुई है। हमारा कीवर्ड क्या था? कंपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, जैसा वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, केटा कूरियर एंड लॉजिस्टिक वेबसाइट विद ट्रैकिंग सिस्टम, बिल्कुल ऑपोजिट है। मेक वेबसाइट फॉर योर कंपनी, ये इसका यूआरएल आ रहा है, मेक वेबसाइट फॉर योर कंपनी यूआरएल कीवर्ड्स। ठीक है, यूआरएल कीवर्ड हो गए। यूआरएल कीवर्ड आ गए, काबिल मेक ये टाइटल आ रहा है। बाजी प्राइवेट प्राइस है ये बंदा। ₹195 रिव्यूज है। बेसिक वेबसाइट दे रहा है, लैंडिंग पेज दे रहा है, स्टैंडर्ड फुल रिस्पॉन्सिव एंड आई कैचिंग लैंडिंग वेबसाइट पेज है। ठीक है, फ्री स्टॉक इमेजेस हैं। ओके जी, फुल रिस्पॉन्सिव एंड आई कैचिंग वेबसाइट, फ्री स्टॉक इमेजेस हैं। कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट, फ्री इमेजेस, फ्री ट्रैफिक 30 डेज, फ्री 150+ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। वाह, ये देखें जी। अब ये जब आप गिग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि वो पैकेज क्या दे रहा है, आप इसको एक दफा गिग देखें। ठीक है, उसने ये गिग बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कैटेगरी है ये भी आपने देखनी है। ठीक, CATE कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी का मतलब है कि गिग किस में रैंक हो रही है, किस कैटेगरी में है, ये इसकी कैटेगरी है, ये आपने लाजमी करनी है। वर्डप्रेस, ठीक है, फुल वेबसाइट हो गया। ओके जी, इस गिग के ऊपर कितने ऑर्डर आए हूँ मैं जिसको 192 है। ठीक, ऑर्डर 192 है। ठीक है, जी क्या यूआरएल हमारे पास आ गया, कि टाइटल आ गया। ठीक है, अगर हम इसका प्रोफाइल लिंक लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। मेरे प्रोफाइल लिंक भी ये कॉपी कर लीजिए, इसमें टोटल गिग्स कितनी बनाई है, टोटल गिग्स थ्री बनाई है। ठीक है, 3 इसकी टोटल गिग्स है। ठीक है जी, अच्छा टोटल गिग्स इसकी 3 हो गई है। कंपनी वेबसाइट है, ठीक है, फिक्स योर एंड क्लोन योर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट है। ठीक है, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल विक्स वेबसाइट, इसकी जो गिग चल रही है वो यही चल रही है। ठीक है, उसकी गिग यही एक चल रही है जिसको हमने देखा है। इसको एक दफा दोबारा आप देखें, इसको पढ़ें, उसने क्या लिखा हुआ है, क्या पैकेज दे रहा है। इसमें जो डिफरेंट वो चीज दे रहा है ना, वो फ्री स्टॉक इमेजेस दे रहा है, स्टैंडर्ड एंड फुली रिस्पॉन्सिव एंड आई कैचिंग लैंडिंग पेजेस। ठीक है, एंड फ्री स्टॉक इमेज। यहां पर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप में से अगर किसी ने मार्केटिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो, या आपने सेल्स वगैरह पढ़ी हो, तो यूएसपी कहते हैं, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं, कि किसी कंपनी का यूएसपी क्या है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ठीक
ठीक है, इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट मुझे जो नजर आया ठीक है वो ये चीज नजर आया, मैं इसको कॉपी करता हूँ प्रीमियम वाले को, ठीक है प्रीमियम वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसमें से क्या बोला, कंप्लीट वेबसाइट ठीक है, फ्री इमेजेस, फ्री ट्रैफिक 30 days, फ्री 150 हाई बैक लिंक्स, ये फ्री स्टॉक इमेजेस में करता हूँ। अब ये क्यों ये बन रहा है, ये क्यों यूनिक सेलिंग पॉइंट बन रहा है ठीक है, इसकी पहली रीजन है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी और का इमेज यूज किया है ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई है एबीसी, उसके अंदर आपने किसी और वेबसाइट का इमेज यूज किया हुआ है, किसी कंपनी का इमेज यूज किया हुआ है ठीक है, तो वो आपको क्लेम कर सकते हैं, वो आपको सू कर सकते हैं कि आपने हमारी इमेज क्यों यूज की है ठीक है। देन यू हैव टू पे अ हैवी अमाउंट टू दैट गाय ठीक है, यू हैव टू पे टू द हैवी अमाउंट टू दैट पर्सन। सो अगर आप फ्री स्टॉक इमेजेस यानी कि जो पब्लिक अवेलेबल इमेजेस खुद ऐड कर रहे हैं तो क्लाइंट का बहुत सा जो पैसे हैं वो बच जाते हैं ठीक है, अदरवाइज क्लाइंट को पर इमेजेस 50 60 डॉलर या $10 पे करने पड़ते हैं। और एक वेबसाइट के अंदर अगर आप टोटल इमेजेस की बात करें ठीक है, अगर मैं देखूं कि सारे आइकॉन्स वगैरह हम लागे 20 30 इमेजेस आ जाती हैं, अगर सिंपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं ठीक है, 15+ इमेजेस है, इसका मतलब है 15+ का मतलब है अगर वो $5 भी इमेज के देता है, $5 एक इमेज के दे रहा है ठीक है, 5 × 5 ठीक है, 5 $75 बन रहे हैं, अगर एक इमेज के वो $75 दे रहा है ठीक है, 75 बन जाते हैं, और बिल्ली में 300 400 500 डॉलर पे कर रहे होते हैं क्लाइंट सिर्फ इमेजेस के लिए, क्लाइंट सिर्फ इमेजेस के लिए 300 400 500 डॉलर पे कर रहे होते हैं। सो दिस इज द बिग ऑफर कि अगर कोई फ्री स्टॉक इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है, फ्री स्टॉक इमेजेस कैसे मिलनी है, गूगल से मिलनी है, 2 3 इमेजेस को मिक्स करके आपने एक इमेज बना देनी है ठीक है, या इमेजेस को मैनिपुलेट कर देना है आपने, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ। एक ही का हमारा ये हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा गो थ्रू किया ठीक है, इसका डिजाइन कस्टमाइजेशन कंटेंट है, डिजाइन कंटेंट अपलोड है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, फिर ठीक है ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी लास्ट के पर दे रहा है ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस पहले 1 पेज है, 7 पेज है, 10 पेज है, प्लग इन 2 5 है, इस तरह उसने कैप्चर किया हुआ है ठीक है। 17 के अंदर लैंडिंग पेज, 1 लैंडिंग पेज बेसिकली बन रहा है, और 120 के अंदर अगर वो बात करें 7 पेज वेबसाइट है ठीक है, फुल वेबसाइट है, अगर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो उसको 200 वाले प्रीमियम पैकेज पे आना पड़ेगा ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं। वो स्ट्राइव टू मेक वर्ड डिजाइन द मोस्ट यूजर फ्रेंडली प्रोफेशनल एंड फ्लेक्सिबल एज दे कैन बी, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ First part is that we are fully dedicated to you. We love our user and we do whatever it takes to give them a best possible experience. Perfect. अच्छी explanation description लिखी हुई है। दो हजार चौदह से काम कर रहा है ठीक है, दिस इज द मेन की बाय द वे, 2014 से काम कर रहा है ये बंदा। अच्छा जी, आई विल बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस एसईओ, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिएट अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। क्रिएट अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। कंपनी फोलियो ठीक है, ये पोर्टफोलियो में आ रहा है, ये माय पोर्टफोलियो ने अपना पोर्टफोलियो भी ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, इसका जो बेसिक पैकेज है वो फाइबर प्रो है, बेसिकली फाइबर प्रो है ठीक है, इसका बेसिक पैकेज स्टार्ट हो रहा है 600 से, स्टैंडर्ड 1250 से ठीक है, और प्रीमियम जो है 1500 ठीक है। इसकी भी जो गिग लाइक कर रही है ठीक है, वो ये कैटेगरी है इसकी, कैटेगरी फुल रेप्रेजेंटेशन है, ऑर्डर इसने 17 की है। बैच अगर मैं बात करूं, ये फाइबर चॉइस था, ये फाइबर
प्रो है, ठीक है, 5 प्रो है, ठीक है जी। इसका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट? डेवलपर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट इन माय ओन कंपनी, आई विल डू एनीथिंग टू हेल्प माय क्लाइंट आउट, ठीक है। आई हैव बिल्ट अ टोटल 170 प्लस वेबसाइट ओवर द लास्ट 6 ईयर एंड विद दोज प्रोजेक्ट केम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई नो वुड लाइक टू ऑफर माय सर्विसेज टू द पब्लिक ऑन फाइवर एंड फाइवर प्रो, ठीक है। इफ यू विश टू नो मोर, इफ यू विश टू नो मोर और इफ यू हैव क्वेश्चन फील फ्री इनबॉक्स में, ठीक है। इसका जी सिट बैक एंड रिलैक्स, आई विल डिलीवर द परफेक्ट ऑन पेज वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, ठीक है। अब वेबसाइट विद मोर पेजेस फॉर लार्ज बिजनेसेस इन अलाइनमेंट विद एसईओ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट लेवल वेबसाइट वर्कफ्लो फॉर वूकॉमर्स शॉप इंटीग्रेशन एसईओ एंड गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अच्छा, इसने अपने ये कुछ वर्ड्स यूज किए हुए। एक तो वो एडवांटेज ले रहा है कि फाइबर प्रो है, ठीक है, बिल्कुल वो फाइबर प्रो है। दूसरा वो ये उसका आ गया है, इसका टाइटल आ गया, ठीक है, इसका टाइटल आ गया। इसका मैं जो प्रोफाइल है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसने कितने गिग्स बनाई है? 2 गिग्स बनाई है, ठीक है। एक जो फाइबर प्रो की गिग है वो 600 की है, जो बाकी आवे रैंक योर वेबसाइट बेटर इन गूगल। अब जस्ट इमेजिन, ठीक है, जो फाइबर प्रो की गिग है वो कितने पे है, ठीक है, वो 600 से स्टार्ट हो रही है। दूसरी गिग जो है उसकी वो स्टार्ट हो रही है भाई 35 से 170 32, ठीक है। एसईओ पैक है, गेन ट्रैफिक, ठीक है। इसने 2 गीक बनाई हुई है, टोटल गीक इसकी 2 है। इस तरह हम आगे चलते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। आई विल डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर कंपनी, ठीक है। आई विल डिजाइन एंड डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर कंपनी, इसका टाइटल आ गया मेरे पास, ये 1 गीग इनके 1 पैकेज के साथ कर रहे हैं। डिजाइन एंड डेवलप, ठीक है, यूजिंग ये कीवर्ड है, ठीक है। इसने ऑर्डर कितने कंप्लीट किए हैं? 12 ऑर्डर है वीक के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने, अगर मैं कॉपी लिंक एड्रेस करूँ, प्रोफाइल लिंक किया आगे, फाइवर इसके किस में लाइक कर रहा है, फुल वेबसाइट क्रिएशन में ये, अच्छा जी। टोटल गिग्स वो देख लेते हैं, हम टोटल गिग्स देखते हैं, उसके साथ हम एक और चीज देख लेते हैं, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा इस गिग का जी। दिस इज माय फुली फंक्शनल गिग, ठीक है, कंपेटिटिव प्राइस दैट मीट यू नीड्स विद योर बजट, ओके। फीचर ऑफ द गिग इंस्टॉल वर्डप्रेस है, ओके हो गया जी, ये सारी चीजें। फुली फंक्शनल वर्डप्रेस वेबसाइट बेस्ड ऑन योर नीड्स, ठीक है। 5 पेजेस है, डिजाइन कस्टमाइजेशन है, कंटेंट अपलोड है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, 3 प्लगइन इंस्टॉलेशन है, 10 प्रोडक्ट्स है। अच्छा जी, वो हर चीज ऑफर कर रही है, ठीक है। उसने कह के, ठीक है, 3 डेज डिलीवरी में 5 रिव्यू दे रही है। अब इसमें जो यूनिक उसने किया वह चीजें वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये इनकी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन 2 चीजें उसने चेंज की हुई है। वो 2 चीजें क्या चेंज की हुई है कि प्राइस, ठीक है, $65 है, उसने 3 डेज डिलीवरी रखा हुआ है, 3 दिनों में डिलीवरी मिलेगी और 5 रिव्यू मिलेंगे, इससे ज्यादा रिव्यू नहीं देंगी। जब रिव्यू ज्यादा चाहिए होगी तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपको क्या नाम है करना है, तेज सर्विस चाहिए, तो फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करें, क्लाइंट की अगर यही सर्विस चाहिए, 5 पेजेस वेबसाइट चाहिए, डिजाइन कस्टमाइजेशन चाहिए, कंटेंट अपलोड चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए, 3 प्लगइन चाहिए, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी और 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, फाइन है $65। अगर इससे कुछ प्लस माइनस चाहिए तो वो फिर रेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक देख सकते हैं कि उसने 1 गीक के साथ जा रही है, 1 यूनिक पैकेज। ठीक है, ये हो गया। मैं अगर यहां पर जाऊं, 5 गीक है और 1 रैंक हुई है, 5 गीक है, 5 है, रैंक एक हुई है, ठीक है। ये पैच कोई भी नहीं है, ठीक है, सिंपल इनके न्यू जो नया अभी स्टार्ट किया होगा, ठीक है। 2016 से काम कर रहे हैं,
लेकिन उस तरह काम नहीं हुआ होगा, ठीक है, मे बी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हो काम दोबारा। ओके जी, फ्री वेब सब्सक्रिप्शन है। हो गया, उसके बाद क्रिएट प्रोफेशनल ब्लॉग पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 88 के ऊपर ऑर्डर्स हैं। अब हाँ, हेलो, आई यू आर लुकिंग फॉर समवन टू क्रिएट आई कैचिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, देन यू आर ऑन अ गुड गिग, परफेक्ट है, कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन क्रैश कंप्लीट कंपनी डिजाइन फॉर पर्सनल पोर्टफोलियो कंपनी मैगजीन, ठीक है, वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट स्टोर डोमेन होस्टिंग एंड मच मोर, ठीक है जी। ओके जी, लेवल टू है। सॉरी, ये लेवल यहाँ पर टू है, ठीक है, ये लास्ट के पर मैं करूंगा, उसके बाद मैं आगे फर्दर मूव करूंगा, जब आप करेंगे आपको देखेंगे, ठीक है। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस थीम, यू विल गेट अ वन पेज वेबसाइट दैट डिस्क्राइब योर कंटेंट इन शॉर्ट, यू विल गेट फोर पेज वेबसाइट दैट विल डिस्क्राइब योर स्किल्स, ठीक है, यू विल गेट अ कंप्लीट वेबसाइट विद प्रीमियम थीम वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एसईओ फ्रेंडली ई कॉमर्स, ठीक है जी। अच्छा, आपने अभी तक जितनी गिग्स देखी है, एक चीज आपने देखी होगी, ई कॉमर्स जो है वो प्रीमियम में रखा हुआ है, ई कॉमर्स प्रीमियम में आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है बड़ी शॉर्ट लिखी है, लेकिन कंपनी हैंडसम है कि उसने बता दिया ये चीजें वो कर रहा है। आई कैन हेल्प यू इन कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच कंप्लीट कंपनी डिजाइन, ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो कंपनी मैगजीन बिजनेस वेबसाइट स्टोर डोमेन होस्टिंग एंड मच मोर, ठीक है। आई कैन प्रोवाइड यू चीप वेबसाइट होस्टिंग डोमेन प्रीमियम वर्डप्रेस थीम प्लगइन, ओके जी। आई प्लीज मैसेज मी बिफोर ऑर्डरिंग द गिग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट इन डिटेल एंड क्लियर द रिक्वायरमेंट बिफोर टेकिंग स्टार्ट, ठीक है, ये भी एक अच्छा मैसेज है। लास्ट डेट डिलीवरी, लास्ट डिलीवरी 6 days बिफोर दैट, ठीक है। इसकी मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, इज फ्रॉम पाकिस्तान आई गेस, यस इज फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इसने कब से स्टार्ट किया, 2019 से लास्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ है। आई एम वेरी ओरिएंटेड, परफेक्ट है जी। ओके, इसकी भी 3 gigs हैं, 1 rank हुई है, ठीक है। टोटल गिग्स इसकी कितनी है, 3 है। गिग टाइटल क्या था, गिग टाइटल आई फॉरगेट टू कैप्चर दैट, मैं गिग टाइटल ले लेता हूँ। सॉरी, द सर्विसेज, ठीक है, डिस्क्राइब द सर्विसेज mentioned the skills, ये कुछ ना वे में मैंने कुछ थोड़ा सा एनालिसिस किया आपके सामने, कुछ 1 2 3 4 का, 1 2 3 4, ठीक। अब आप मिनिमम 20 का करेंगे, मिनिमम आपने 20 पे परफॉर्म करना है, ठीक है, मिनिमम आपके पास 20 होगा, 20 गिग्स के पर ये करेंगे आप, इससे आपको फायदा होगा, ये आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है ना, एक आपको मेक क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको कीवर्ड मिल रहे हैं, इसमें कीवर्ड मिल रहे हैं, ये दोनों आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये कीवर्ड आ रहे हैं, अगर जब जैसे ही आप दूसरों के डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद उसमें भी आपको पता चले कि क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अब इसमें फ्री स्टॉक इमेजेस हैं, एक जो बड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है, फ्री ट्रैफिक है 30 days, ट्रैफिक आप गूगल से किसी से $5 में ले सकते हैं, $10 में ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से वेबसाइट ट्रैफिक, ट्रैवल वेबसाइट आ गया, ये भी एक कीवर्ड होगा, ट्रैफिक वेब ट्रैफिक, ठीक है, 5000, ठीक है, ये कह रहा है $5 में, देख लें इधर, यूज वेब ट्रैफिक लिमिटेड यूएसए ट्रैफिक 30 for 30 days, ये कुछ चार्ज करेगा, कितना चार्ज करेगा, $50 चार्ज करेगा, इसके पैकेजेस आप देख सकते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस वे आप कुछ थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करके उसे कहेंगे 30 days के लिए आपको ट्रैफिक मिल जाएगी, या कुछ ऐसा आप दे सकते हैं। इसके बाद एक और चीज पे जाते हैं, एडिट, लेट मी एडिट दिस। दूसरी चीज है जो एसईओ टाइटल आ रहा है ना,
जब हमने पहले ऐड किया था, ठीक है, ये एसईओ टाइटल आपकी बड़ी हेल्प करेगा। आपने पहले यहाँ पर टाइटल ऐड कर देना, ये जो आपको ऊपर टाइटल आ जाएगा, मैंने लास्ट टाइम जो बात की थी। एक दफ़ा दोबारा मैं रिवीजन करने लगा हूँ, अगर मैं गिग बना रहा हूँ, ठीक है, गिग जैसे ही मैं बनाना शुरू करूंगा, मेरे पास एक गिग टाइटल आ जाएगा, जो फर्स्ट टाइम मैं ऐड करूंगा, ये मेरा कीवर्ड बेस होना चाहिए, ये मेरा कीवर्ड बेस होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। गिग टाइटल मेरा रैंक, अगर मैंने गिग करनी है तो गिग टाइटल मेरा कीवर्ड बेस होगा, ठीक है, कीवर्ड बेस होगा, वन चीज होगी। उसके बाद एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल टी आई टी टी कीवर्ड बेस, ठीक है, ये दोनों हमारे कीवर्ड बेस होंगे। फर्स्ट टाइम आप इसको कीवर्ड बेस ऐड करें, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने गाइड किया था कि टाइटल को आप बाद में चेंज कर सकते हैं, बट ये दोनों चीजें आपकी, ये फर्स्ट टाइम कीवर्ड बेस होनी चाहिए, ये भी आपका कीवर्ड बेस होना चाहिए, एक चीज होगी। उसके बाद आप बात करें आगे कैटेगरी, ठीक है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, फुल वेबसाइट सर्विसेज है, ये आपकी कैटेगरी डिफाइन हो रही है, आपकी वेबसाइट स्टेशन की कैटेगरी डिफाइन हो रहा है। उसके बाद आप आगे फर्दर होता है कि आप गिग मेटा टैग आप किस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म विच यू प्रोवाइड सर्विसेज, फाइन, वो कहते हैं मैं शॉपिफाई में काम कर रहा हूँ। यहाँ जो सर्च टैग है, ये सर्च टैग्स फिर आपने ऐड करने हैं, ये टैग्स भी आपकी सर्च के अंदर आपको हेल्प कर रहे होते हैं, आपकी गिग को रैंक करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सर्च टैग, सर्च टैग्स भी आपको गीक की रैंक करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो सर्च टैग्स हैं, दूसरा वे होता है जब हम गीक को एनालिसिस कर रहे होते हैं, जैसे मैं ये गीक के ऊपर आया हूँ, आई विल डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट एंड सीएमएस, ठीक है, मैं इसको अगर स्क्रोल डाउन करता हूँ, इस गीक को स्क्रोल डाउन करता हूँ, ये मुझे इसके टैग्स आ रहे हैं, मैं इनके टैग्स भी उठा सकता हूँ, मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो डेवलपिंग है, बिल्ड वेबसाइट है, कंपनी है, बिजनेस वेबसाइट है। कुछ और बन गया, मैं वन बाय वन इसके टैग्स यहां से उठा सकता हूं, यानी कि हर गीक के, अगर ये गीक है, ये इसके टैग्स आ रहे हैं, मैं ये टैग्स उठा सकता हूं, ये गीक है, मैं इसके टैग उठा सकता हूं, बिजनेस वेबसाइट है, रेस्टोरेंट वेबसाइट है, ठीक है, रेस्टोरेंट वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, बिजनेस वर्डप्रेस से देखें इसने किस तरह टारगेट किया हुआ है। अगर ये प्रोफाइल, ये दूसरी प्रोफाइल है, ये भी मैंने प्रोफाइल ओपन की हुई है, आई विल बिल्ड वन रिव्यू इस प्रोफाइल का, ठीक है, दिस वे आप इनके कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, वापिस आता हूँ मैं गीक के ऊपर, ये ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूँ, प्राइसिंग आ रहा होता है, इसमें आपने पैकेज डिफाइन करने होते हैं, जिस तरह उसने स्टॉक इमेजेस का ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरी 2 डे लिखा हुआ है, ठीक है, 4 डेज था, मैं इसे 2 डेज कर रहा हूँ, इसे मैं 4 डेज कर रहा हूँ, इसे मैं 6 डेज कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने प्राइसिंग एंड स्कोप ऐड करना है, आपके पैकेज है, फर्स्ट पैकेज है, सेकंड पैकेज है, थर्ड पैकेज है, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपने डेज डिलीवरी है, नंबर ऑफ पेजेस है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जितने आपने ऐड करने हैं। यूजिंग दिस पे आप गीक को आगे करके इनके आगे लेके जा सकते हैं। प्राइसिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का लास्ट टाइम मैंने आपको गाइड किया हुआ है, रिक्वायरमेंट का भी गाइड किया हुआ है, गैलरी का भी गाइड किया हुआ है, ठीक है, इसके पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जो मैंने आज बताना था, जो मेरी बताने वाली चीज थी, ठीक है, वो ये एक किस तरह मैंने ये कीवर्ड यहाँ से इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसी में से कीवर्ड चूज करूंगा, ये जो दोनों मेरे पास आ रहे हैं, जैसे ये मेरे पास क्रिएट वर्ड पे वेबसाइट फॉर योर कंपनी आ रहा है, ठीक है, क्रिएटिव क्रिएट है, क्रिएटिव आ रहा है, वेबसाइट आ रहा है, इसके बाद इसमें अगर मैं देखूँ डिजाइन डिवेल्प वर्डप्रेस वेबसाइट कंपनी, ठीक है, क्रिएट प्रोफेशनल ब्लॉग पोर्टफोलियो, ये इस तरह कीवर्ड्स मैं फाइंड कर रहा हूँ। मैं इसी कीवर्ड्स को, जैसे मैं कहता हूँ इनमें से मैं कीवर्ड्स लेके मैं अपनी ये गीक का टाइटल बना के आगे जाऊंगा, ठीक है। ये जो पहली हमारी सर्च हुई है, जो फर्स्ट हमारी सर्च हुई है, वो कीवर्ड सर्च हुई है, ये कीवर्ड के अगेंस्ट इतना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जिसमें थोड़ा कम कंपटीशन है, इसमें जैसे कम कंपटीशन था कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, अभी भी अगर आप कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक सिर्फ इसी के ऊपर बनाते हैं, तो यू विल फाइंड मोर स्टफ, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी जो मेरे पास गीक का रिजल्ट आ रहा है, वो उस तरह रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके कुछ रीजन है, इसमें फाइबर च्वाइस आ रहे हैं, फाइबर प्रो आ रहे हैं, लेवल 2 आ रहा है। अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम स्टार्टिंग में हमें 3-4 ऑर्डर मिल जाते हैं, तो हमारी गिग अच्छी खासी रैंक हो सकती है इस कीवर्ड के ऊपर, कंपनी पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट। उसके बाद ये एजुकेशन एलएमएस वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, एलएमएस वर्डप्रेस वेबसाइट, एलएमएस का प्लगइन आ जाता है, उसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, वेबसाइट इंस्टॉल कर लेते हैं, एलएमएस पूरा आपका बन जाता है।
उसके साथ आपको प्लगइन मिल जाते हैं जो आपकी फुल आपको एलएमएस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, गिग टाइटल एंड इंस्टीट्यूट टाइटल में सेम कीवर्ड यूज करने हैं? नहीं, सेम नहीं होते, चेंज हो रहे होते हैं। गिग जो हमारा जो एसईओ का होता है ना, मैं अगर यहाँ पर ओपन करूँ, इसके अंदर सिर्फ आप 40 50 की ऐड कर सकते हैं, मैक्स 50, ठीक है। इसके टाइटल में 50, मैक्स 50 कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्स 80 कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने डिफरेंट कर सकते हैं, इसमें आप 50 80 ऐड कर सकते हैं, टाइटल के अंदर यहाँ पर आप 50 ऐड कर सकते हैं। ओके जी, मैं क्वेश्चन आपके पहले ले लूँ या बाद में ले लूँ? सर क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, सर जो गिग थी उसके स्किल्स बहुत लिमिटेड एंड थे, ठीक है। जो गिग थी उसके स्किल्स बहुत लिमिटेड थे, मैंने बताया वो 2014 की गिग थी। अगर आप जब भी गिग को एनालिसिस करना है, आपने दो चीजें लाजमी देखनी है, ये सबके लिए है, ठीक है। दो चीजें लाजमी देखनी है, कौन सी चीजें देखनी है कि वो कब से रैंक है, मिस कब से वो गिग के पर काम हो रहा है, वो 2014 से हो रहा है। 2014 की अगर बनी हुई है तो वो डिफरेंट बिहेव करेगी प्रोफाइल में, बिल्कुल मैंने नोट किया था। सर वेब डेवलपमेंट की बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्या डिस्क्रिप्शन यूज करना चाहिए? डिपेंड करता है क्लाइंट ने क्या बोला हुआ है, क्लाइंट ने जो बोला हुआ है उसके अगेंस्ट हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। सर मेरे अकाउंट पे फाइबर गिग शो नहीं होती, कैसे नहीं होती? आपकी गिग शो नहीं होती सर, फॉर द 33rd प्रोफाइल गिग इमेज इज सो इनरेलीवेंट, ठीक है। ये देखना क्यों नहीं आया, ये देने क्यों नहीं? मुझे एक क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ता हूँ, सर फॉर द 3rd प्रोफाइल, ठीक है, गिग इमेज इज सो इररिलेवेंट। ये गिग जो 3rd प्रोफाइल थी, मैं दोबारा उसके ऊपर जाता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इमेज प्रोफाइल पे जाता हूँ। आप इसकी बात कर रही हैं, ये 3rd प्रोफाइल है मुजम्मिल इमरान। अगर आप इसको देखें तो ये उसने अपनी वेबसाइट का कवर लगाया हुआ है, इरेलेवेंट नहीं है, ये वेबसाइट का उसने कवर लगाया हुआ है, अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट है उसने वो लगाया हुआ है, जो उसने वेबसाइट बनाई हुई है उसका उसने कवर लगाया हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो इट्स इरेलेवेंट, अगर आप इसकी बात कर रही हैं। अगर कोई और है तो फिर उसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई रेलिवेंट है कि नहीं। गिग टाइटल एसईओ में मैंने इसका बता दिया ब्रदर कि इसका सेम नहीं कर रहे होते, हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जो टाइटल होता है, एसईओ टाइटल होता है, वो 50 हमें मैक्स कैरेक्टर चाहिए होते हैं, जो हमारा टाइटल आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हमें 80 कैरेक्टर तक हम ऐड कर सकते हैं। सर ये बैचेस कैसे मिलते हैं फाइबर प्रो वगैरह? फाइबर प्रो के लिए एक टेस्ट होता है, आप फाइबर प्रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो फाइबर प्रो देते हैं। फाइबर चॉइस होता है कि जब आप कंटिन्यूअसली क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइंट की तरफ से बहुत अच्छा आपको रिव्यू मिल रहा है, आप कंटिन्यूअसली एक्टिव हैं प्रोफाइल्स के ऊपर, आप डेली ऑनलाइन आते हैं, ठीक है, अच्छी तरह काम करते हैं, तो इस तरह आपको फाइबर चॉइस मिल जाता है। और जो बैच वन बैच टू और बैच बैच वन बैच टू और जो टॉप रेटेड बैचेस के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम गाइड किया था कि वो ऑर्डर्स के ऊपर होते हैं कि कितने आपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, उसकी अगेंस्ट आपको मिल रहा होता है। जैसे आपने $400 अर्न कर लिए हो, 10+ ऑर्डर किए हो, आपकी रैंकिंग 4.9 से अबव हो, 4.9 हो, तो आपकी अर्निंग $400 से प्लस हो, तो फिर आपको बैच वन मिल जाता है, ठीक है। यू कैन प्लान, ठीक है, आप अपना एम कर सकते हैं कि आपने विद इन मंथ बैच वन लेना है, तो आप इजीली ले सकते हैं। अच्छा जी, बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, मैं डिफरेंट टाइम जोन में चेक किया है। ओके जी, बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, आपने डिफरेंट टाइम जोन में, अवैस मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूंगा, ठीक है। जो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है ना, जिस तरह की आपने गिग्स बनाई होती है ना, उसके अगेंस्ट शो हो रही होती है। थैंक यू। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आ रहा था कल, मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि हमारी जो गिग है वो रेज कर दी है फाइबर की तरफ से, फाइबर ने हमारी गिग को रिमूव कर दी है। उसके 2 से 3 रीजन हो सकते हैं। जो पहला रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी गिग से कंटेंट कॉपी की है या किसी गिग से आपने इमेज कॉपी की है,
आप किसी गीक से इमेज कॉपी करते हैं या कोई कंटेंट कॉपी करते हैं तो आपके ऊपर क्लेम होता है, वो आपकी गीक को रिमूव कर देते हैं। आपको वार्निंग आती है 3 दफा 4 दफा, अगर आप उसके बाद भी नहीं सही करते तो आपकी प्रोफाइल वो रिमूव हो जाती है, प्रोफाइल ही खत्म कर देते हैं। सो अगर आप गीक बना रहे हैं और कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। आपको किसी भी वेबसाइट से किसी भी प्रोफाइल से कंटेंट कॉपी नहीं करना, ये आपने याद रखना है। अब मैं कोई क्वेश्चन है काइंडली आप करें, उसके बाद मैं फ्रीलांसर की तरफ मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, फ्रीलांसर की बात करते हैं। फ्रीलांसर के ऊपर जैसे हमने fiverr.com पे काम किया, इसी तरह फ्रीलांसर के ऊपर भी काम हो रहा होता है, ठीक है। हर कंपनी का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, फाइबर का डिफरेंट है और फ्रीलांसर का डिफरेंट है। मैं यहाँ पर फ्रीलांसर ओपन करता हूँ। freelancer.com ये आपके सामने ओपन हो गए। ठीक है, आप में से जो लाइव वेबसाइट लाइव प्रोफाइल बनाना चाह रहा है काइंडली मुझे बताएं, मैं उनकी प्रोफाइल बनवा देता हूँ। मुजम्मिल इमरान, मैंने यही बताया है कि आपने इमेज कॉपी किया होगा, ठीक है, या आप ऐसा इमेज यूज कर रहे होंगे जो कॉपी राइट होगा, या आपने फाइबर की जो क्या नाम है किसी गिग से कंटेंट कॉपी किया, गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी की हुई है, ठीक है, या आपने कोई ऐसा कीवर्ड यूज किया हुआ है जो लीगल नहीं है। जैसे हमने बात की थी कि असाइनमेंट का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, हमने बात की थी असाइनमेंट का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, इस तरह का कोई वर्ड आपने यूज किया हुआ है जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक नहीं हुई या गिग उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, ये इस तरह इशू आ रहे होते हैं, आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर, आप में से कौन लाइव आना चाह रहा है राइट नो, उसकी उससे फाइबर फ्रीलांसर का प्रोफाइल बनाते हैं। रमीज अवेलेबल है? एनीवन ऑफ यू वांट टू कम लाइव काइंडली कम लाइव विद मी, मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, इससे आपको डेमो लाइव डेमो मिल जाएगी कि किस तरह हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं, ठीक है, यू विल गेट अ लाइव डेमो कि किस तरह हम प्रोफाइल बना रहे होते हैं। जिसका इंटरनेट अच्छा है काइंडली वो मेरे साथ लाइव आ जाए, हम फिर लाइव freelancer.com की प्रोफाइल बना लेते हैं। मे बी आपने जूम का कीवर्ड यूज किया हो, उसके बाद जो आपने इमेज गूगल से डाउनलोड किया हो, आपसे पहले भी किसी ने गूगल से इमेज डाउनलोड अच्छा मैं मुजम्मिल इमरान बता रहा था कि आपने गूगल से इमेज डाउनलोड की है, मे बी आपने भी जो आपने जो इमेज डाउनलोड किया वो किसी और ने भी किया और वो यूज कर रहा हो। अगर आपने इमेज खुद से एडिट किया है तो फिर देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, जिसकी नई बनी हुई freelancer.com पे प्रोफाइल काइंडली मुझे बताएं, मैं उन्हें लाइव लेता हूँ, उनकी प्रोफाइल मैं खुद बनवा देता हूँ। एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर प्रोफाइल लाइव, मारिया बकर, मोहम्मद वैस, आपकी फ्रीलांसर प्रोफाइल है, बुरहान यूसुफ, आदिल हसन, ओके जी काइंडली क्वेश्चन है राना मोहम्मद रमीज का कि काइंडली सजेस्ट कर दें विच इज बेटर freelancer.com और guru.com, बदर जिससे जिसके जो आपको सूट कर रहा है वो बेस्ट है, दोनों पे बहुत काम हो रहा है, बहुत लोग सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे साथ ट्रेनर हैं, ठीक है, सलमान अली ने, आदिल हसन आप लाइव आ जाए, मैं आपकी प्रोफाइल बना देता हूँ। आदिल हसन सलमान अली ना ट्रेनर है, वो फाइबर freelancer.com के ऊपर प्रो है, ठीक है, उन्होंने 4000+ ऑर्डर्स कम्प्लीट किए हुए हैं। I will try के मैं उनका गेस्ट लेक्चर आपके साथ रखूं।
freelancer.com पर। आई विल ट्राई कि मैं गेस्ट लेक्चर उनका आपके साथ रखूं ताकि आप उनसे सीख सकें। ठीक है, मैंने लिंक शेयर दिया हुआ आदिल, आप इसको इसके थ्रू लाइव आ दें, मैं फिर आपकी प्रोफाइल बिल्ड कर दूंगा, प्रोफाइल बनवा दूंगा। उमर तारिक है, उमर तारिक रमीज आपको आंसर ओके। फायदा भी आपकी स्किल्स के ऊपर भी बहुत मैटर कर रहा है कि कौन सी स्किल्स आप ले रहे हैं। वैसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मुझे पसंद है वो मुझे तो अपवर्क पसंद है, मैं ज्यादा काम अपवर्क के ऊपर ही करता हूँ, बाकी हर तरफ से काम होता है। मीन्स आप फ्रीलांसर पे बड़ा अच्छा काम है, फाइबर पे बड़ा अच्छा काम है, गुरु पे बहुत अच्छा काम है। आदिल आप लाइव आ रहे हैं, आरटी मनान अवेलेबल है आज के? नहीं अवेलेबल आरटी मनान, ये कमेंट के अंदर मैंने लिंक है अभी मैंने दोबारा पेस्ट किया है। ठीक है, जो सबसे टॉप कमेंट है आप उस पर क्लिक करें, आपके पास लिंक आ जाएगा। ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ लिंक को। ओके रुहान आसिफ, कोई बात नहीं, प्रेफर जो भी एक आप में से आएंगे, ठीक है, मैं उनकी प्रोफाइल बना दूंगा, मैं उन्हें गाइड करूंगा, वो खुद मेरे सामने प्रोफाइल बनाएंगे। अच्छा आदिल आप ना मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर दें अपनी, श्योर इंशाल्लाह मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूंगा। मैंने आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल चेक की थी, ऐसा नहीं कि नहीं की थी। आदिल आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें लैपटॉप की ना। अच्छा आदिल फिर गायब हो गए हैं, ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आज फ्राइडे है। ओ आदिल अगर आप मोबाइल से, तो कोई बात नहीं है, मैं वैसे आपको स्लाइड्स गाइड कर देता हूँ, आप फिर बना लीजिएगा। ये freelancer.com है, ठीक है, freelancer.com। freelancer.com पे बिल्डिंग प्रोफाइल freelancer.com, ये आपके सामने शेप आ जाएगा इनके, जब जैसे ही freelancer.com ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग दिस वे साइन अप इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट
अच्छा स्ट्रीम दोबारा सर वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है वॉइस आपको? अच्छा जो freelancer.com के, इसको हम पेंडिंग करते हैं, हम मंडे को इंशाल्लाह करेंगे। आपके जो क्वेश्चन है अभी वो मुझे काइंडली बताएं। कोई गेस्ट हमारे पास है, आदिल हसन है हमारे पास, लेकिन वो अपने प्रोफाइल वो शेयर नहीं कर सकते, क्या नाम है, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। वॉइस आ रही है सबको? अब्दुल रहमान काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है काइंडली मुझे बताएं, वो मैं आंसर करता हूँ जो आज के लेक्चर से है, गीके वाले से है। अपवर्क का इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में होगा। एक्चुअली मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनके दोबारा मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। अच्छा मैं ना सबको शीट शेयर करूंगा, जो मैंने भी शीट बनाई थी, ठीक है, वो मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। आपने करना क्या है, जो आपने जब गिग्स बनानी है उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर पहले एनालिसिस परफॉर्म करना है, फिर आपने गिग बनानी है, ठीक है, ताकि जो आपकी गिग बने उसके अंदर इम्प्रेशन भी आपको है और आपकी गिग रैंक भी हो। नहीं फ्रीलांसर नहीं, मैंने ये भी बताया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम मंडे को फ्रीलांसर पढ़ लेंगे, freelancer.com हम मंडे को इंशाल्लाह कर लेंगे। सर अपवर्क के कनेक्ट्स की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी प्रपोजल सेंड किए हैं बट कोई सोच नहीं है। अच्छा अपवर्क के अंदर एक बड़ी मज़े की चीज़ है, अगर आप अच्छे रिस्पॉन्स अच्छा प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स लाजमी आता है, चाहे वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद आए, ठीक है, तो आ जाता है। आप मुझे दिखाइएगा कि आपने क्या प्रपोजल सेंड किया है, फिर इंशाल्लाह उसको देख के बता देंगे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन काइंडली कमेंट, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर मेरी फ्रीलांसर की प्रोफाइल से $5 माइनस हो चुके हैं, व्हाट आई डू? ठीक है, मैं न्यू प्रोफाइल बनाऊं या फिर उसी यूज करूं $5? अच्छा अब्दुल रहमान freelancer.com की आप बात करें, $5 क्यों माइनस हुए? आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या रीज़न हुई? काइंडली मुझे कंफर्म करें। सर काइंडली नेसेसरी प्लगइन्स की लिस्ट शेयर कर दें। अच्छा कल कुछ मैंने प्लगइन्स अरूज अफजल मैंने कल बताए थे, बाकी जैसे ही हम करते जाएंगे तो हमें प्लगइन्स का पता चल जाएगा। असाइनमेंट वीकेंड के लिए मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा इमरान, मुजम्मिल इमरान। अब्दुल रहमान मुझे बताइएगा क्यों आपके $5 माइनस हो गए? सर आई डोंट नो, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था। ओके, फिर कोई आपने क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था, यहाँ तो आपने कोई गीक के पर जब बिट कर रहे होते हैं, जब वहाँ पर हम बिट कर रहे होते हैं, हम भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपने परचेज किया होगा वहाँ से। दूसरा होता है कि मैंने वहाँ पर पैकेजेस होते हैं वो परचेज करते हैं हम बिडिंग के लिए, पैकेजेस आपने वो तो नहीं परचेज किए, बिड पैकेजेस होते हैं।
मतलब अगर हम सही अकाउंट असद अली चौधरी अगर हम सही अकाउंट बनाएंगे तो इजीली हमारा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा रिमाइंडर है स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की काइंडली वो अटेंडेंस मार्क करें, और जिन्होंने अभी तक फीडबैक फॉर्म नहीं सबमिट करवाया कल का वो काइंडली अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवा दें। वालेकुम सलाम, आपका नेम नहीं मुझे शो हो रहा, काइंडली मुझे बताइएगा कौन है आप। कैन वी मूव 000 वेब होस्ट वेबसाइट इनटू लोकल होस्ट? जी बिल्कुल, हम 000 वेब होस्ट के पर अगर हमारी कोई वेबसाइट बनी हुई है हम उसको लोकल होस्ट पे मूव कर सकते हैं, और कोई हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट पे बनी हुई है हम उसको 000 वेब होस्ट पे लेके जा सकते हैं। अच्छा आपकी प्रोफाइल कौन सी कंप्लीट हुई है काइंडली मुझे बताएं, फाइबर की बता रहे हैं, फाइबर की बात कर रही हैं आप? हाफिज बकार सब कैसे हैं आप? ठीक है आप सब, मैंने लिंक दिया हुआ है आप लाइव आ जाएं, मैंने थोड़ी देर पहले लिंक कमेंट्स में पेस्ट किया है तो उसको यूज़ करते हुए आप लाइव आ जाएं। अच्छा वॉलंटियरली जॉब है टीए की, आप में से कोई टीए शिप करना चाहता हो टीचर असिस्टेंट की तो मुझे बताइएगा। ओके अगर आप ठीक है आपकी प्रोफाइल अपनी सबमिट करवा दीजिएगा, मैंने आज पोस्ट की है थोड़ी देर पहले क्लासरूम के अंदर में जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर पोस्ट की है, जिन्होंने अभी तक फाइल प्रोफाइल के लिंक सबमिट नहीं करवाए काइंडली वो वहाँ पर प्रोफाइल के लिंक सबमिट करवा दें। किसी का कोई गिग्स के हवाले से क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे पूछें। ठीक है हाफिज साहब, आप मुझे मंडे को लाइव आके चेक करवा दीजिएगा। अच्छा मैं जॉब नहीं बता रहा, ये सिर्फ वैसे ही मेरे साथ टीचर असिस्टेंट का काम करना है आपने, ठीक है तो और कोई नहीं है, मैं पेड जॉब नहीं है इसलिए आप पीजी वीजी नहीं, ये वॉलंटियरली जॉब है, वॉलंटियरली आपने काम करना है, जैसे मैं कोई बता देता हूँ कि स्टेटस अपलोड करना है इस तरह का काम होगा। जी मैं स्ट्रीम ऑफ करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है अल्लाह हाफिज़।